सभा में पूर्णिया धमदाह में जहाँ मेरी भी सभा बगल में थी वहाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया है, साफ साफ कहा है कि मेरा अंतिम चुनाव है, आखिरी चुनाव। तो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है, आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक है। क्या लग रहा है किन की सरकार बनने वाली है? अभी 10 तारीख को देखिएगा, 10 तारीख को खुलेगा। कितनी सीटें का अनुमान है? जितना अनुमान आप लोग ला रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा। बिहार बदल चुका है, बिहार बेकरार है, बिहार में बदलाव की बयार है और बिहार में महागठबंधन सरकार है। नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इमोशनल कार्ड एक खेला है, इमोशनल कार्ड क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू एक बात जान लें, बड़ी विनम्रता और आदर से हम कहते हैं, आप हार गए होंगे पर आप बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार किसी से हारा नहीं, बिहार वीर है, बिहार सूझवान है। बिहार नई सरकार चुनेगा, आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया, अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। धन्यवाद। नीतीश जी के नेतृत्व में हम एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ यानी 210 के इतिहास को दोहराएंगे। कांग्रेस कह रही है कि वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इस तरीके से कह के कि वो इनका आखिरी चुनाव है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि भ्रम फैलाना का काम करती है, आरजेडी भ्रम फैलाने का काम करती है। बिहार की जनता हकीकत से परिचित है, जानती है कि जहाँ मोदी हैं वहीं विश्वास है, जहाँ मोदी है वहीं विकास है, जहाँ नीतीश जी हैं वहीं रोजगार है। दूसरा की जो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस का, कांग्रेस और तेजस्वी जी लगातार हमलावर हैं बीजेपी पे, कह रहे हैं कि अब जीत उनकी सुनिश्चित है, हम लोग जीत चुके हैं। देखिए हताशा में निराशा में उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है। जब आदमी पराजय के निकट होता है और उसका एहसास हो जाता है कि हम मेरी हार होगी तो हरकतों पर उतरता है। महागठबंधन आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग आप देखते नहीं हैं, हरकत पर उतर गए हैं। कहीं पोस्टर फाड़ देते हैं तो कहीं बैनर फाड़ देते हैं तो कहीं भ्रम फैलाते हैं तो कहीं कुछ कुछ करते हैं, तो वह अव्यवहारिकता पर उतर आए। इसका मतलब है कि उनकी हार पक्की। क्या वो हार को स्वीकार कर रहे हैं? नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। सर, विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने कंसीड कर लिया डिफीट। सर एक सवाल, मनोज तिवारी जी एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इस तरह से कांग्रेस कह रही है कि वो चुनाव है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। भाई चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, चौथी बार, देश का एक इतिहास बनता है और उन्होंने बहुत दिल से सबसे समर्थन मांगा है और जिसको बिहार को सजाने का क्रेडिट जाता है उसको दिल से मांगने का भी अधिकार है।